सुबह दर्शन करने का मौका मिलता है, जब यहाँ आके सिंह द्वार में खड़ा होने का मौका मिलता है, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। और सुबह मंगला आरती के दर्शन करने के लिए हम राजस्थान से आए थे, रात को रुके थे यहाँ और सुबह मंगला आरती के लिए आए थे दर्शन करने के। थोड़ा मंगला के लिए विलम्ब हो गया यहाँ थोड़ा सा, वैसे बहुत अच्छा फील होता है यहाँ। आस्था का धाम है, भगवान का मंदिर है, राजस्थान से आए हैं, अच्छा ही है। महाप्रभु को देखने के लिए जब इंतज़ार किए, यहाँ जब इंतज़ार करते हैं, मन में क्या चलता रहता है? मन में ये चलता है भगवान की इच्छा होगी जब दर्शन होंगे, जब प्रभु की इच्छा होगी जब दर्शन होंगे, इंतजार का है। दिन भगवान के लिए है, दर्शन होंगे जब हो जाए, क्या दिक्कत है। आए सुबह 4 बजे से लग रहे हैं लाइन में, जब दर्शन होंगे प्रभु इच्छा है, उसमें अच्छा ही फील होता है। थोड़ा जानना चाहेंगे, ऐसा कुछ घटना हुआ है जिसमें आपको पूरा फील होगा कि नहीं, जगन्नाथ जी ने ही ऐसा काम किया है? हाँ, जो प्रभु की इच्छा होती है वो होके रहता है। मेरे जीवन में सबसे बढ़िया प्रभु इच्छा से ही सब कुछ होता है। मैं जीवन में हमेशा मंगला आरती के दर्शन करता हूँ प्रभु के, मेरे राजस्थान में भी करता हूँ और मैं वहाँ जगन्नाथ, मेरे यहाँ मदन मोहन जी का मंदिर है। घटना तो क्या, प्रभु की इच्छा कुछ है ही, बढ़िया कृपा है, कोई ऐसी दुख नहीं है मेरे को, सब भगवान आनंद है, प्रभु की इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। अनेक जो कथा रही था स्मृति अनुभूति, अनेक कथा बखाणी हुए, अनेक कथा बखाणी हुए नहीं, भीतर ही रही जाए, जेहेतु सी सब वर्णन उपर अनेक समय भक्त मैंने वर्णना भी करपार ना, आम कथा अन्य भक्त जो मैंने रही आज्ञा कौटे संबलपुर आज तो संबलपुर रु बहुत लोग आज्ञा केमती कौन जो माहौल प्रत्येक दिन जिते आसती जेबे भी आसती ये दर्शन करार सुजोग मिले ये जो सिंहद्वार ढड़ा हमें केमती अनुभव थाए भल लगे महाप्रभु को देखा को आ मनटा भी भल लगे भल लगे आषाढ़ कार्तिक मस आसवाई बहुत बढ़िया लगे आग्रह भी थाए अलग दिन आसु रामजी मठे रहू बहुत सुविधा भी पाऊ सब सुविधा पाऊ रामजी मठ रे बहुत सुविधा पाऊ आम जब भी आसे रामजी मठे रहू बाहर रहूनि आषाढ़ कार्तिक मस आसवाई बहुत बढ़िया लगे आग्रह भी रहे एमती किसी घटना रही जहाँ आप दर्शक मानू कहीपारे बांटिपारे जो आप ठाकुर को पूरा अनुभव करटना जहाँकि अनुभव करूँ निश्चिंत तो गुड़े गुड़े फल पाऊ निश्चय फल पाऊ जहाँकि भावु निश्चय फल पाऊ आप जीवन एमती किसी घटना घटे ना तो एमती घटनी लेकिन आम आसुचु आमको मनटा भल लगसी सो के असुविधा है आसला बेल भी आम भल जाऊ आसिक एक भी पल आसु अनुभूत भितर तार मैं जिमु भाभी ना भितर गोटे खुशी लगसी कि जिमु आम दर्शन करमु खुशी लगसी आज जिते कष्ट से कष्ट ये ना लगे पेनफुल ना लगे दर्शन करमु बोला मन इच्छा है बोले आस अनेक घटना घटी थाए एमती बहुत लोग कहते घटना जो घटन कि एमती लगी था महाप्रभु ही आसिक कम को कले आपत के अनुभव कर घटना किसी अच्छे आम जेनटा ना भाभी था गोटे गोटे जिन घटी जाए बोले हेटा आम हाथ ना जेनटा जेन हो बोले भगवान ना करवा तो किए कर आम चाहे भी ना कर घटी जा गोटे ऐश्वरिक शक्ति टे तो अच्छे जेनटा भगवान शक्ति टे तो अच्छे जीवा अन्य प्रतिक्रिया टे ना माँ कौट आसते माँ पुरी पुरी दर्शन करती मंगल आरती प्रत्येक दिन दर्शन कर प्रभु बहुत अनुभूति मुझे भाभी नेक्स्ट डे गुंडीचा दिन कह प्रभु को कहीं मुझे जीवी मंगलाचरण देखी मत केमी प्रकार से ने कोटि अशेष प्रणाम मुमित प्रकार जाखे पहुँचिकी पहुँर आलती सब मुझे देखिकी बहुत मत खुशी लगे मुझे गोटाक अनुभूति जाने
प्रभु जो जा द्वारा जमीत प्रकार मत नहीं पहुँचा कथा पहुँचे आ कौन कह अशेष कथा कहले बहुत ही है।